हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्रिस्पी, क्रंची, हेल्दी एंड ग्लूटेन फ्री टेस्टी वेजिटेबल बुलेट्स की रेसिपी। बहुत इजी, सिंपल एंड डिफरेंट सी रेसिपी है, बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है। विंटर सीजन है, मार्केट में सब्जियां बहुत सारी अवेलेबल हैं, तो कुछ सब्जियां और चाइनीज़ सीजनिंग का कॉम्बो करके आज हम ये टेस्टी से बुलेट्स बनाने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बर्तन में आप डालें 2 कप जितनी बारीक कटी हुई पत्ता गोभी, जिसे मैंने नमक वाले पानी में 1 से 2 मिनट के लिए रखा था गर्म पानी में। एक बड़ा कप हम इसमें ले रहे हैं 2 से 3 बारीक कटी हुई गाजर और 2 शिमला मिर्च बारीक कटी हुई। इसके साथ साथ आप इसमें डालें ढेर सारा लहसुन, 10 से 15 कलियां यहाँ पर हमने लहसुन लिया है बारीक काट के। एक बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, ऑप्शनल है, प्याज लाइक नहीं करते तो स्किप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इसमें डालें 1/2 चम्मच जितनी काली मिर्च, चाहें तो ग्रीन चिली का यूज़ भी कर सकते हैं। 1/2 छोटा चम्मच इसमें हमने डाला है नमक, 1 चम्मच आप इसमें डालें सोया सॉस और इसके साथ साथ 1 चम्मच जितना ही सिरका यानी कि विनेगर। और अब हम इसमें डाल रहे हैं 1/4 चम्मच जितना अजीनोमोटो, बिल्कुल ऑप्शनल है, सिर्फ मार्केट जैसा और चाइनीज फ्लेवर प्रोवाइड करने के लिए, बाइंडिंग के लिए इसमें डाल रहे हैं 4 बड़े चम्मच जितना कॉर्नफ्लावर और 4 बड़े चम्मच जितना ही मैदा। और इन सारी चीज़ों को डालकर आप अच्छे से मिक्स कर लें। फ्रेंड्स, आपको इसमें कोई एक्स्ट्रा वाटर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वेजिटेबल्स जो हैं वो अपना पानी रिलीज़ करती हैं। इसमें हमने नमक डाला है, विनेगर डाला है, साथ में सोया सॉस डाली है, तो जो पानी है वो इसमें ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो जाता है। और मार्केट जैसा कलर देने के लिए थोड़ा सा आप इसमें डाल दें फूड कलर, यहाँ पर मेरे पास रेड फूड कलर था पाउडर फॉर्म में, इसे मैंने हल्के से पानी में मिक्स करके डाला है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप रेड फूड कलर की जगह पर बीटरूट का जूस भी डाल सकते हैं। और यहाँ हमने लिया है एक चॉपिंग बोर्ड, इस तरह का आपके पास बोर्ड अवेलेबल है या कोई भी प्लेट ले सकते हैं आप, उसके ऊपर आप डालें हमारा ये तैयार वेजिटेबल्स का जो हमने मिक्सचर तैयार किया है, और इसे इस तरह से स्प्रेड कर दें नाइफ़ की हेल्प से या स्पून की हेल्प से, आपको इस तरह से सेट करना है। और इसे हम फ्राई करेंगे डायरेक्ट ऑयल में, और ये देखिए इसे इस तरह से सेट कर लें, ना ही बहुत ज़्यादा पतला हो और ना ही बहुत ज़्यादा ये थिक होना चाहिए, पतला होगा तो ये बिखर जाएगा, मोटा होगा तो ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। ऑयल यहाँ गर्म हो गया है, हमने यहाँ सरसों का तेल गर्म किया है, और इस तरह से आपको इसे कट करके डायरेक्ट ऑयल में ही फ्राई करना है। पहले आप 1 या 2 पीस फ्राई कीजिए, अगर ये बिखर रहा है तो इट मीन्स इसमें कॉर्नफ्लावर और मैदा की जो क्वांटिटी है वो कम है, ये थोड़ा सा बैटर अभी गीला है, तो आप इस तरह से चेक कीजिए, अगर ये बिखरता है तो आप इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर या मैदा और डाल दें तो ये अच्छे से बाइंड हो जाएगा। ये देखिए हमने इसमें 4 बड़े चम्मच जितना कॉर्नफ्लावर और मैदा डाला है, बाइंड अच्छे से हो गया है। और मीडियम टू लो फ्लेम पर ही आपको इसे फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक फ्राई हो और क्रिस्पी और करारे बनकर तैयार हो। एक बार ये हल्के ब्राउन होना शुरू हो जाएं तब आप गैस की फ्लेम को थोड़ा तेज़ कर दें और इन्हें पका लें। तो कुछ छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो मार्केट से भी टेस्टी बुलेट्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। जैसा कि जब आप इन्हें फ्राई करने के लिए तेल गरम करें तो एक बार तेल तेज़ गरम हो जाए तो गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दें, थोड़ा ठंडा हो जाए फिर ऑन करें और इन्हें फ्राई करने के लिए डालें। तो ये कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, और ये देखिए कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। और इन्हें हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं पेपर नैपकिन पर, और आप देख सकते हैं इनमें ऑयल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सोक नहीं किया है ऑयल, रीज़न कि इनकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हुई है, प्लस जो फ्राई किया है हमने इसे, जो ऑयल का टेम्परेचर है बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप ये बुलेट्स बनाकर तैयार करेंगे तो बिल्कुल मार्केट जैसे बनकर तैयार होंगे। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसे हाथ से भी सेट कर सकते हैं या किसी डिफरेंट शेप में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, पर इस तरह से बनाए गए जो बुलेट्स हैं बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं, मार्केट में इसी तरह से बनाए जाते हैं, घर पर आप बनाइए, फ्रेश हैं, हाइजीनिक हैं। और एक ख़ास बात और है इस रेसिपी की कि एक तो जैसे मैंने आपको बताया ग्लूटेन फ्री है, एंड सेकेंड थिंग इज़ कि आप इसे कच्चा पक्का सा फ्राई कर लें, ठंडा होने के बाद आप इसे एयर टाइट कंटेनर में रखें और फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं करीब 15 से 20 दिन के लिए। जब आपका मन करे तेल गरम कीजिए और इसे फ्राई कीजिए, गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व करें, अचानक से गेस्ट आ जाएं तो भी आप इसे पहले से बनाकर रख सकते हैं। तो ये रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, देखिए बहुत ही टेस्टी एंड क्रंची बनकर तैयार हुए हैं। एंड आई होप आपको हमारी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। काफ़ी सारी वेजिटेबल्स का हमने इसमें यूज़ किया है, आप चाहें तो अपनी पसंद की और भी सब्जियों का यूज़ कर सकते हैं। और नीचे दिए गए कॉमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए
कीजिएगा और बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नई और बढ़िया रेसिपी के साथ। बाय बाय।